किसने खाए मालपुए। आज दादी माँ ने मालपुए बनाए हैं। राजन को मालपुए बहुत पसंद हैं। राजन दादी माँ से बोला, दादी माँ मुझे मालपुए दो ना। ना बेटा, ये भगवान के लिए हैं। कल सुबह पूजा होने के बाद खाना। अगले दिन सुबह पंडित जी आए। उन्होंने भगवान जी को नए कपड़े पहनाए। जय देव जय देव जय राधा कृष्णा, गोवर्धन गिरिधारी जय जय गोपाला। राजन ने भी उन्हें माला पहनाई। तभी प्रसाद का डिब्बा खाली देखकर दादी माँ की आवाज आई, राजन इधर आना। हाँ दादी माँ, आया। मालपुए किसने खाए? मैं क्या जानूं दादी माँ। सच बताओ राजन। दादी माँ, मालपुए ना कौवे ने खाए। और कौवा यहाँ कहाँ से आया? रात में आया दादी माँ। पर रात को तो कौवा सोता है ना राजन। अब बेचारा राजन फंस गया और फिर हकलाते हुए बोला, दादी माँ मालपुए ना बिल्ली ने खाए। और बिल्ली यहाँ कहाँ से आई? खिड़की से आई दादी माँ। पर खिड़की में तो जाली है। अब राजन क्या बोले, कुछ सोचते हुए फिर बोला, दादी माँ मालपुए ना चूहे ने खाए। और चूहा यहाँ कहाँ से आया? दरवाजे से दादी माँ, सच मैंने उसको देखा। पर डिब्बा तो ऊपर मेज पर था। राजन फिर बोला, नहीं नहीं दादी माँ, मालपुए ना हाँ चींटी ने खाए। और चींटी यहाँ कहाँ से आई? मेज पर चढ़कर दादी माँ, सच मैंने देखा उसको। पर राजन मालपुए तो ढेर सारे थे। तभी राजन जोर से चीखा, माँ दादी माँ दर्द दादी माँ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ राजन? दर्द हो रहा है दादी माँ, बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। झटपट से सबने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने राजन से पूछा, राजन बेटा क्या खाया था? डिब्बा भर मालपुए। अरे बाप रे, तो अब ये छोटी सी गोली खाना। गोली खाकर राजन ठीक हो गया। वह कान पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो दादी माँ। राजन बेटा, मुझे पता था कि मालपुए तुमने खाए हैं। देखा, एक झूठ बोला